एवरीवन, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम ट्विडल फैक्टर। हम अलग अलग पीरियड के लिए इसका ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। एक बात ध्यान रखो, जो अब पिछले उसमें पढ़ाया था मैंने जनरल मैट्रिक्स निकाल के दिखाई थी, ये रही। अगर सबने पहला सेशन देखा, जो पहला लेक्चर था, ये इसकी जनरल मैट्रिक्स थी। अब इसी से ही अगर सिग्नल का जो भी हमें सिग्नल गिवन है उसका पीरियड 2 है तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, अगर 3 का तो 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरीके से हम जो करने वाले हैं 2x2, 3x3 और 4x4 का करने वाले हैं। मैंने तरीका बताया था कैसे इसको याद रखते हैं। तो ट्विडल फैक्टर का पहले जनरल जो फॉर्मूला था वो क्या था, WN जो होता था e^(-j)2π/2πn होता था। ये फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एन यहाँ पे इसका पीरियड बताता है इसका। अगर हमें अगर पीरियड टू के लिए निकालना, अगर हमें टू के लिए निकालना तो कितनी मैट्रिक्स बनेगी, 2x2 की, ठीक है। तो उसको बनाते हैं यहाँ पे, यानी हमें निकालना W2। ये मैट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी। अगर हमें आंसर डायरेक्ट निकालना है किसी भी सिग्नल का, DFT डायरेक्ट निकालना है, तो हमें ये मैट्रिक्स याद होनी चाहिए। तो मैंने तरीका बताया था, एक बार मैं फिर बताता हूँ कैसे याद करते हैं। कैसे था, पहली रो और पहले कॉलम में WN 0 होता था, उससे कोई मतलब नहीं कितना पीरियड है, कुछ ही है उसका। तो यहाँ पे यानी WN यानी W20 अगेन, पहला रो और पहले कॉलम में, तो यही आएगा सबके लिए। आगे अब क्या चलता था, 1 का टेबल, ठीक है। पहली रो में 1 का टेबल, दूसरी में 2 का टेबल, यहाँ पे केवल एक ही एंट्री बच रही है तो 1 का टेबल चल पाएगा एक ही एंट्री तक, ठीक है। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, एन बराबर 2, और इनकी जो पावर है 0 तो 0 लगा दो, 1 है तो 1 लगा दो, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देख लो, मैं एक एक एंट्री करके दिखाता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो W2 कितना हो जाएगा, पहले निकाल लो यहाँ से। W2 जो हो जाएगा, n की जगह 2 लगा दो उस फॉर्मूले में, e^(-j)2π/2π, ये पाई है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, e^(-j)π, ठीक है। तो e^(-j)π, तो e^(-j)π की पावर 0 कितना हो जाएगा, e^(-j)π की पावर 0 करो, क्योंकि यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ध्यान से देखो ये 0, तो क्या हो जाएगा ये e^(-0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, फिर अगेन e की पावर 0 हो जाएगा, ये अगेन e की पावर 0 हो जाएगा, और 1 करेंगे तो e^(-j)π आ जाएगा। इस सब की वैल्यू किसको याद है, कुछ भी नहीं है निकालने में इसको, e^(-0) तो 1 ही हो जाएगा। तो W2 जो आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1 1। अब e^(-j)π, सबको यूलर फॉर्मूला याद होगा, मैं बता देता हूँ क्या होता था यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला होता था, अगर e की पावर जे थीटा है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये कर, इसमें क्या लगा दो, थीटा की जगह कितना हो जाएगा -π, तो ये कितना हो जाएगा -j π की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, कोस -π प्लस जे साइन -π। साइन पाई तो 0 होता, कोस -π या कोस पाई एक ही चीज़ होती है, क्योंकि कोस में तो एंगल पॉजिटिव हो जाता, तो कोस पाई यानी कोस -π कितना रहने वाला, -1। तो e^(-j)π की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यहाँ पे लिख देंगे -1। तो W2 की मैट्रिक्स कौन याद कर सकता है, हर कोई याद कर सकता है, ठीक है। W2 की मैट्रिक्स याद करनी पड़ेगी, ये बता दूँ मैं, 2 और 4 की ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है।
तो डब्लू टू किस में देख ली, डब्लू थ्री की लास्ट अगले में देखेंगे, डब्लू फोर की उससे नेक्स्ट में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा। इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डब्लू थ्री के साथ।